नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। एक बार पुनः हमारी सेवार सिटी और सिटी लाइव टीम की ओर से आप सभी का हमारी श्रृंखला कोविड केयर एंड रिकवरी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अनु सोगानी इस प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वर्ष 2020 में हमारा पूरा साल केवल और केवल एक ही शब्द से, एक ही चीज से जूझते हुए निकल गया, कोविड-19, कोरोना वायरस। हम और किसी बात पर बात ही नहीं कर सके। इस बीमारी ने, इस वैश्विक आपदा ने छोटे बड़े, महिला पुरुष, अमीर गरीब, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबको इसने एक समान, एक तरह से अपनी चपेट में लिया और हर व्यक्ति ने इस परेशानी में कोई ना कोई कठिनाई, समस्या का सामना किया। इस पूरे दौरान हम लोग एक तरफ काफी चर्चाएं करते रहे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स, पारिवारिक बदलाव आदि आदि समस्याओं पे, और दूसरी तरफ हम भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान, ये समय जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। इस सारे में हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग अनदेखा, अनछुआ, अनसुना रह गया। वो वर्ग हमारे बच्चों का, नवजात शिशुओं से लेकर और टीन एज तक के बच्चों का ग्रुप। लेकिन अब आज करीब करीब 9-10 महीने का समय हो चुका है, इन सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में बहुत तरह के बदलाव हम सबको दिखाए हैं, और अब समय है कि हम उन बदलावों को समझें, इन बच्चों की प्रॉब्लम्स, उनकी कुंठाओं को समझने की कोशिश करें और उनका कुछ निवारण निकालें। इसी गंभीर विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ एवं बेबीलोन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर धनंजय मंगल जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम पे। और साथ में हमारे साथ हैं हमारे शहर की एक जानी मानी प्रतिष्ठित समाज सेविका, श्रीमती लीना जी लाहोटी। आपका परिचय मैं वैसे तो क्या दूं, एक निहायत ही संयुक्त परिवार का हिस्सा है, जहां पर 7 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चों का एक एज ग्रुप है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इन बच्चों की ये समस्याएं देख रही हैं, किस तरह का बदलाव इनमें हुआ है, और उसी से रिलेटेड, उसी से जूझते हुए कुछ अपने सवाल लेके आई हैं आज, जिनके जवाब वो डॉक्टर मंगल साहब से चाहती हैं। और एक मैं छोटा परिचय आपका और दे दूं कि आप हमारे शहर के भूतपूर्व मेयर और वर्तमान में सांगानेर क्षेत्र के विधायक श्रीमान अशोक जी लाहोटी की धर्मपत्नी हैं। लीना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मंगल साहब, मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले आपसे, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम आज की श्रृंखला है बच्चों में कोविड संबंधित समस्याएं एवं उनका निवारण। शुरुआत में जब ये समस्या, ये आपदा शुरू हुई थी, तब ऐसा या ऐसी चर्चाएं, ऐसे रिसर्च और सब सामने आ रहे थे कि बच्चे इस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे या उन पर इसका कोई असर नहीं होगा, जो भी उन रिसर्च का कारण रहा होगा। लेकिन आज अब 6-8 महीने बाद हम देख रहे हैं कि इस बीमारी ने बच्चों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों में इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण क्या है और उनमें इस बीमारी की सीवियरिटी कितनी ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। धन्यवाद अनु जी। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर इन डिटेल बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में ये बीमारी गंभीरता कितनी लेती है। तो इशू ये है, ये डिपेंड उस पर करता है, जनरली काफी हद तक बच्चे हमारे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, चाहे वो न्यूबॉर्न हो, मदर कोविड पॉजिटिव हो, उसके बच्चे की डिलीवरी हुई हो, और उसके बाद न्यूबॉर्न से लेके 18 ईयर तक जो हम बच्चों का देखते हैं, उसमें अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। कई बार सिम्टम आते भी नहीं है, तो मैक्सिमम असिम्टोमेटिक होते हैं।
कई बार बिल्कुल छोटा सा खांसी जुकाम हल्का होके रह गया या बुखार आया, बुखार भी नहीं आता है, तो ये नहीं है कि कोई कि हमारे बच्चे को तो खांसी जुकाम हुआ ही नहीं और साहब कोविड तो हो ही नहीं सकता, जिस तरह का हम डे टू डे में ओपीडी में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों में या किसी तरह का कोई भी सिम्टम हो, इवन खांसी जुकाम के साथ साथ रेस्पिरेटरी के साथ साथ जीआई सिम्टम आर मोर कॉमन देन रेस्पिरेटरी। इसका मतलब यह हुआ कि उल्टी दस्त के सिम्टम ज्यादा होते हैं बच्चों में, उनको भी हमें उस दृष्टि से सोचना चाहिए। यदि किसी बच्चे को उल्टी हो रही है, दूध नहीं पच रहा है, पेशाब कम जा रहे हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं या दस्त होना शुरू हो गया, ये सब सिम्टम भी कोरोना के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम किसी और कारण से बच्चा एडमिट होता है, उसकी जांच कराते हैं तो हमें पाते हैं कि उसमें कोरोना पॉजिटिव है। तो कोरोना का बृहद काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लिनिकल सिनेरियो होता है, इसलिए कॉमन सिम्टम आते हमें अलर्ट होना चाहिए। कॉमन जो सोशल डिस्टेंसिंग है या न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन था अनुजी आपका, एक बार वापस रिपीट करेंगे प्लीज। इसमें इस जब प्रारंभिक लक्षण आ जाते हैं उसके बाद सीवियरिटी कितनी होने के चांसेस हैं? यस, तो सीवियरिटी पे बच्चों में सीवियरिटी कैसे होगी वो डिपेंड उसके इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है या उसके जेनेटिक पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। जनरली जो माल न्यूट्रिशन है या ओबीज बच्चे हैं, मतलब इट्स अ माल न्यूट्रिशन सॉर्ट ऑफ, तो उनमें ये सिम्टम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी इतना जल्दी से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, तो जो स्टडीज हैं उनमें टाइम लगता है, लेकिन जो करंट रिसर्च के पेपर्स हैं उसके अनुसार कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो एग्जेगरेट करते हैं यदि बच्चा ओबीज हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, स्पेशली विटामिन डी, इसलिए हम लोग विटामिन डी उसमें देते हैं, या कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उन बच्चों में ज्यादा होते हैं जहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, या कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। तो आपने ये भी सुना होगा अभी लास्ट 8-9 मंथ में किसी फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो रही है, तो उस फैमिली में काफी ज्यादा कैजुअलिटी होती है, तो जबकि ऐसा और दूसरे फैमिली में चाहे सीटी स्कोर कुछ भी हो या कितनी भी ब्लड में सीवियरिटी आ रही हो, लेकिन वो बिल्कुल आराम से एसिम्प्टोमेटिक होके निकल जाते हैं। तो ये अभी हमारे रिसर्च का विषय है कि हम कैसे हो रहा है ये ऐसे, तो ये सारी चीजें हमें अभी तक जो इनिशियल आंकड़े हैं उससे हमें ये लगता है कि ये जेनेटिक कोई प्रेडिलेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सीवियरिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, कॉमनली बच्चे की इम्यूनिटी बाय न्यूट्रिशन और जेनेटिक प्रेडिलेक्शन। मेरा अगला सवाल भी डॉक्टर साहब आपसे ही है कि अब शुरू में फिर भी ऐसा था कि परिवार में एक कोई जना कोविड पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद रिकवर हो गया, सब हो गया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जब परिवार में एक जना कोई आ रहा है तो उसके बाद एक के बाद एक परिवार में 3-4 जने कंटिन्यूअसली कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। शायद परहेप्स अगर मैं सही हूं तो इसी को हम एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड वाली चीज का नाम दे सकते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारे परिवार में कोई एक जना पॉजिटिव आ गया, कोई एडल्ट व्यक्ति, तो उस परिवार के बच्चों को हम किस तरह से इस चीज से बचा सकते हैं या ये कोशिश कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन उनमें डिले हो जाए। शायद बचाना उतना मुमकिन ना हो सके तो हम इसको डिले करने का क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, और भगवान नहीं करे वर्स्ट टू वर्स्ट अगर बच्चे को हो ही जाता है कोविड तो उसके उपचार का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? धन्यवाद, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डे टू डे में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फैमिली में कोई भी एक पेशेंट, कोई भी घर का मेंबर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन सबसे पहले हमें चिंता होती है हमारे बच्चों की, क्योंकि वो सबसे कॉमन होते हैं, किसी को कुछ कह नहीं पाते, उनको पता नहीं होता कि आगे क्या सीवियरिटी आने वाली है, तो उनका ध्यान हमें सबसे पहले आता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर को भी सबसे बच्चे के डॉक्टर को फोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए कि हमारे घर में ये आ गए हैं तो क्या करें हम अपने बच्चों का। इसका सादा सीधा सादा वही है कि अपने को जो नॉर्मल प्रिकॉशन है वो लेनी है, बच्चों को जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू देनी है, पॉसिबल है कि भाई कहीं भेज सकते हैं तो भेज सकते हैं, नियर बाय या दूसरे फैमिली में भेज सकते हैं जहां इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल है कि हम
किसी दूसरे के फैमिली में भेजें और यहाँ पे अकेले रहें, बच्चा भी मतलब नॉट ओनली ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बट साइकोलॉजिकली भी उसके इम्पैक्ट आता है, वो हमेशा पेरेंट्स को मिस करेगा, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम कहीं भेजें। घर में रखते हुए 2 BHK 3 BHK जो कॉमन घरें होती हैं उनमें तो फिर भी हम थोड़ा बहुत तो सेपरेट रख ही सकते हैं। प्लस ये एडल्ट भी एसिम्टोमेटिक हैं, ओनली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोई ऐसा लगता नहीं है कि 4-5 दिन से 6 दिन से निकलने के बाद कोई प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने को अलग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, यदि किसी तरह से इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाता है बच्चे की भी, अब 2 तरह से हम कराते हैं टेस्ट। या तो बच्चे को जब जब घर में किसी को पॉजिटिव होता है तो हम लगता है कि बच्चे की पहले से पता लगा लें तो हम रिपोर्ट कराते हैं। तो एक तो रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, बच्चा एसिम्टोमेटिक होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि बच्चे को सिम्टम आने लगे, हल्का सा जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बच्चे को उल्टियां शुरू हो गई हैं, तो फिर हम टेस्ट कराते हैं। पहली कंडीशन में यह बच्चा एसिम्टोमेटिक है और हमने क्योंकि फैमिली में हो गया इसलिए करा लिया टेस्ट, तो हमारा मेन सारा ध्यान होना चाहिए मॉनिटरिंग के ऊपर। मॉनिटरिंग किस तरह से बच्चे की करनी है, तो मॉनिटरिंग में हमें जनरल बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, रूटीन से हटके तो उसके कोई ऐसे बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यूरिन अच्छी तरह जा रहा है कि नहीं, नींद अच्छी तरह आ रही है कि नहीं, खाना अच्छी तरह खा रहा है कि नहीं, जो नॉर्मल पहले एक्टिविटी करता था उसमें कोई विशेष बदलाव तो नहीं आया। पहली चीज तो ये जो जिसको बोलते हैं क्लिनिकल मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ कोई टेम्परेचर है, निकलने में कोई तकलीफ है, हल्की फुल्की खांसी जुकाम हो गए हैं, तो हमें उनको नोट करना चाहिए। तो ये तो हो गई क्लिनिकल मॉनिटरिंग। दूसरा जो रेगुलर एडल्ट की मॉनिटरिंग है, पल्स ऑक्सीमीटर से हमें सेचुरेशन देखना है, हार्ट रेट देखनी है, हाथ पैर ठंडे तो नहीं हुए हैं, पेशाब कम तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग हमें करनी है। यदि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, 10 to 12 days या 10 to 14 days निकल जाते हैं, बीच में कोई तकलीफ नहीं होती, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है बच्चों की एज ग्रुप में सिम्टोमेटोलॉजी काफी कम है, और होती भी है तो उसका उपचार बड़ा कॉमन है। यदि उल्टी दस्त है तो हमें डिहाइड्रेशन वाला जो सिंपल वायरल डायरिया होता है उस तरह से इसको ट्रीट करना होता है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। खांसी जुकाम में भी हमें ध्यान रखना है, सिंपल एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी है, कोई बहुत ज्यादा कोई एंटीवायरल ड्रग या कोई डॉक्सी और बहुत सारे जो एडल्ट को देते हैं कोई मेडिसिन मतलब नहीं देनी चाहिए। धीरे धीरे एक्चुअली में अभी तो क्या होता है, फियर ट्रीटमेंट चल रहा था लास्ट 6-7 मंथ से, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिमम मेडिसिन एंड नो मेडिसिन के साथ में, मॉनिटरिंग के साथ में, न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में हम उसको ट्रीट करें, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अननेसेसरी मेडिसिन देने से गैस्ट्राइटिस होती है, बच्चे के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। दूसरा इसका पार्ट है, ये बच्चे सिम्टोमेटिक होते हैं तो हमें उसके सिम्टम का सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर भी ऐसा लगता है कि बड़े बच्चे हैं, ओबीज हैं, जिनके कोमॉर्बिडिटी साथ में है, हाइपरटेंशन है, किडनी की कोई बीमारी है, अस्थमा है, तो हमें उसको अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या अंडर डॉक्टर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये कॉमन चीज है। इसके अलावा जो इस सबसे ऊपर है, सबसे अहम है, वो है बच्चों का मानसिक एंड शारीरिक ध्यान रखना। सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो हम लोग डे टू डे में इतना देखते हैं। सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स के आते हैं ना कि बच्चा 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब, स्कूल भी नहीं गया और क्या करें, एक एक इधर से जाते हैं खेल खेल में, सारे जो चेस कैरम सब खत्म हो गए हैं, सारे गेम कौन सा गेम खिलाएं, कौन सी बुक्स पढ़ाएं, तो और लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग इनके ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, इट्स अ रियली रियली टफ। सो मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना टाइम बच्चों के साथ दें, चाहे उनके साथ खेलें, चाहे उनके साथ और बिल्कुल भी उसके कोई चीज फोर्स ना करें। जनरली क्या होता है कि भाई वो और बच्चों से पीछे रह जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आती है, इरिटेबल हो गए हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों के लिए रादर देन मेडिसिन। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें बच्चे और बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ना है, उनके साथ हमें भी बच्चे बन के रहना है, तब तो हम जाके कुछ उनके जो साइकोलॉजिकल जो इतना प्रेशर
कम्युनिटी पे, पूरे वर्ल्ड पे इतना प्रेशर है इस चीज का कि मुझे लगता है आप लोग भी फील करते होंगे, हम तो डे टू डे में वी रियली फील इनबिल्ट। तो मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलोंग विद क्लिनिकल हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, नहीं मुझे है। पूछना था। सॉरी, हाँ मैं पूछूं। हाँ हाँ लीना जी, श्योर। एक बस है जो आप पूछना चाह रही हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा एज का मेंशन कर देंगे कि किस एज के बच्चे के लिए पर्टिकुलर आप जानना चाहती हैं, तो बिल्कुल हेल्पफुल ठीक रहेगा। है डॉक्टर साहब, जी मेरा बेटा वो 10th में है, ही इज 15 इयर्स। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा मैं आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी मी, राइट? आई एम एबल टू सी यू। आई ओके एम सी फाइन अब फाइन दिख फाइन रहे हो आप? ठीक। वो 15 इयर्स का है, 10th में है। थोड़े दिन तो वो ही वॉज एबल टू मैनेज विद ऑनलाइन क्लासेस। अब वो क्या है, हमारा भी प्रेशर हो जाता है कि बोर्ड्स आ जाएंगे, अब तो आने वाले ही हैं, तो पढ़ने के लिए बोलते हैं, अब उनका मन नहीं करता और बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। मतलब ये एक पैंडेमिक के कारण मुझे लग रहा है ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हालांकि वो बहुत शांत था, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आने लग गया उसको। फिर एग्जाम्स का हम भी बोलते ही हैं कि अब बोर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ी तैयारी कर ले, और उसका मन नहीं करता ऑनलाइन क्लासेस में। अब ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज ऑनलाइन क्लासेस, तो पहला तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका मैं बताऊं, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम के साथ ही हमें जीना है। इसके जो नेगेटिव पार्ट के साथ में उनका प्रेशर हमें ये बिल्ड नहीं करना कि बोर्ड एग्जाम आएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। उनको ये बोलना है कि इस बार के जो बोर्ड एग्जाम होंगे बहुत इजी होंगे, पेपर बहुत उस एंगल से बना के हमारे जो टीचर्स हैं वो लोग इस तरह के पेपर बनाएंगे कि बहुत इजी होंगे और कॉमनली अटेम्प्ट किए जा सकते होंगे, और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत ही फ्लेक्सिबल देने वाले हैं वो। कल भी मैं एक दो टीचर्स का वो सुन रहा था, उसमें भी वो यही बोल रहे थे कि अब की बार जे चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत कंसिडरेशन होगा इस चीज का कि बच्चों को स्कूल नहीं गए, उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तो सबसे पहले तो हमें उनको ये कहना है आप मस्त तरह के एग्जाम दो, कोई इश्यू नहीं है। ये तो आप उसका एडवांटेज है कि आपको स्कूल जाके और एक बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करनी थी, उसकी बजाय आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई कर, पहला। दूसरा पार्ट है कि हमें उसके साथ इतना भी नहीं छोड़ना कि वो जिस कैडर में है, जिस क्लास में है, उस क्लास के एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसको कॉम्पीट करके अगले सेशन में चला जाए। हालांकि मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी और मोस्ट प्रोबेबली बहुत फ्लेक्सिबल होके ज्यादातर बच्चों को आगे अपग्रेड करेंगे। पर फिर भी तो उसका दूसरा दूसरा पार्ट ये है कि हमें बीइंग अ पेरेंट, हम लोगों को उनके साथ बैठ के क्वेश्चन करके उसका जो विंडो पीरियड है या स्क्रीन टाइम है, उस टाइम को हमें अपने साथ मिला के उसको कम करना है। लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड तो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। फिर उनके हाथ में मोबाइल तो आ ही गया, तो वो और भी बहुत कुछ उसमें बिजी हो रहे हैं। और आईसाइट भी अब थोड़ा सा स्पेक्स लग गए हैं इन विद इन 8 मंथ्स, पहले नहीं था, अब लग गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ कि ये सब आपके साथ ही नहीं है, ये ज्यादातर लोगों के साथ ही यही है कि पहले तो स्क्रीन देखते हैं, फिर स्क्रीन के हटके उस चीज का प्रेशर सबसाइड करने के लिए वो मोबाइल पे आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम तो वो भी स्क्रीन टाइम ही है। तो जो हाँ प्रेशर आना, जो रिलैक्स होना चाहिए वो हटके वहां से डेस्कटॉप से यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम वही रहा। इसका तरीका ये है कि वो उसको क्या चाहे तो आप बड़ी टीवी स्क्रीन पे बैठ के उनके साथ मूवी या नाटक या वट एवर कार्टून करेक्टर, वट एवर जो भी देखना है बड़ी स्क्रीन पे हॉल में बैठ के देख सकते हैं, जिससे वो जो मोबाइल वाला, एक्चुअली मोबाइल इज वेरी डेंजरस बिकॉज मोबाइल के टाइम में आपने देखा होगा कि इतनी छोटी स्क्रीन होती है, दोनों आंखों की जो फोकस होता है वो इंटरनल साइड में होता है। तो जब धीरे धीरे ये सब होता है तो जो एक अडेप्टेशन होती है वो अडेप्टेशन आंखों में नहीं होती, उसकी वजह से धीरे धीरे वो रिफ्रेक्टिव एरर आना शुरू हो जाती है। तो इसका तो ये है कि किसी भी तरह से आप लोग इन्वॉल्व होके और स्क्रीन टाइम कम करना है। और अगर जो वर्किंग पेरेंट्स है, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, दे हैव टू गो टू द ऑफिसेस एंड ऑल, तो बच्चे तो घर पे ही है।
ये फिर दोनों बातें हैं इसमें, एक तो ये है कि हमें बैलेंस करना है, ये बड़ा कहना है बहुत इजी है, पर फिर भी अब बीइंग अ क्लिनिशियन आई हैव ऑलवेज रिमेन बिजी इन माय प्रैक्टिस, बट स्टिल मेरे दो बच्चे हैं, वन इज बीटेक एंड सेकंड इज 12th, 12th का उसका अभी मेडिकल का वो चल रहा है नीट का। ओके इन स्पाइट ऑफ ऑल बिजीनेस आई ट्राई टू स्पेयर टाइम विद हिम। दूसरा है कि वर्क भी करना है और ये इस तरह को बैलेंस भी करना है। तो एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है डॉक्टर साहब, और डेफिनेटली आप तो बीइंग इन दिस शुरू से ही बच्चों के साथ आपने डील किया है, और अभी इस पेंडेमिक टाइम में तो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये कि फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की 70 से खत्म हो चुकी है। आजकल के बच्चे कितना योगा कितना मेडिटेशन करते हैं वो हम लोग सब जानते हैं कि ठीक है जबरदस्ती 10 मिनट करा दिया तो कर लेते हैं वो। और फिजिकल एक्टिविटी को हम घर में किस तरह से करवा सकते हैं बच्चों से, क्योंकि बाहर बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को पार्क में भेजना चाहते हैं या बाहर कहीं भेजना चाहते हैं इस समय में। इसका मेन तो है कि अपन उसकी हॉबी देखें, और हमने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं किया हो तो हमें डांस करना है उसमें से। एक्चुअल में हमें बेसिकली क्या होता है, बच्चे हम बच्चों के लिए हम रोल मॉडल होते हैं। हम जो भी करते हैं वो हमारी सक्सेस को देखते हैं, हमारे बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो अल्टीमेटली जो जो हम व्यवहार में ला रहे हैं जो हम कर रहे हैं अल्टीमेटली उसको रेप्लीकेट करते हैं। आपको लगता है कि आप जैसे बाहर नहीं जा रहे हो, आप अपने जो भी प्रोफेशन वो है उसमें जाते हो, तो यहाँ पे आपको भी एक्सरसाइज करनी है, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत या गार्डन में गार्डनिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें मुझे लग रहा है कि इन्वॉल्व होके करते हैं, तो इट वुड बी वेरी इजी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है कि अगर बच्चा पॉजिटिव हो जाए और मदर फादर को कोई नहीं हो तो क्या वो उसके साथ रूम में या से रह पाएंगे, रह सकते बच्चा अकेला जैसे 10 इयर्स या 13 इयर्स को क्या करना चाहिए? ये है बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी, इसमें भी ये है क्योंकि बच्चा एसिम्टोमेटिक है और पेरेंट्स के चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, तो इसमें अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पूरी प्रिकॉशन लेके रखें। बच्चे तो जरूरी नहीं है कि भाई जितना रख सकते हैं रखेंगे, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत जरूरी है। 4th 5th डे यदि बच्चे का सिम्टम है सिम्टोमेटिक है या रिपोर्ट पॉजिटिव है तो हमें पेरेंट्स की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वाइस वर्सा नहीं है दोनों चीजें, बच्चे से जैसे मेरे घर में जब अशोक जी को हुआ था तो उनके ब्रदर के बेटे को हुआ, हाँ, और वो नेगेटिव थे उसके फादर, तो वो बच्चा तो अकेले ही रहा एक बार। तो नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं, ये हुआ ही नहीं। कई बार क्या होता है जब फैमिली में इतना क्लोज फैमिली रह रही होती है और उसमें ये कोई पॉजिटिव नहीं आया या नेगेटिव आ रहा है और उसके सिम्टम अदर लोगों के साथ जैसे ही हैं, तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव मानना चाहिए। मेरी फैमिली में सारे पॉजिटिव आए थे, मैं 8 महीने से इतने सारे पेशेंट पॉजिटिव देख चुका, पर मेरा 3 बार में कभी पॉजिटिव नहीं आया, तो डजंट मीन कि मेरे को ओके नहीं निकला होगा। तो ऐसा लगता है कि हमेशा पॉजिटिव ही मानना चाहिए और सेपरेट करने का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई अलग से रखना चाहिए बच्चे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज वेरी वेरी वर्स्ट। हाँ भाई, वो हमने तो अलग रखा, फिर वो अपने बड़े पापा के साथ था, इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा अभी और घर में किसी को नहीं हुआ, अगर किसी बच्चे को ऐसे हो जाते हैं तो क्या करें? कुछ नहीं, साथ में रखो, सेपरेट रखो, हाँ आराम से साथ में रख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी नहीं होनी चाहिए, खाना कॉमन शेयर ना करें, और यदि उसको सिम्टम है तो थोड़ा सा जरूर सेपरेट करना है, पर अपने घर में ही रखो, अपने साथ ही रखो। चलिए डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये हमारे पास थोड़ी सी समय की बाध्यता है, एक मैं चलते चलते क्वेश्चन फटाफट आपसे और पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई फीडिंग मदर है और मदर पॉजिटिव है
तो उस केस में उस वो बच्चा जो है उसके ऊपर इसका असर होने के कितने चांसेस हो सकते हैं? हेलो हाँ डॉक्टर, हाँ नहीं वो फीडिंग थोड़ा सा आवाज बीच में मिस हो गई थी। फीडिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है और मदर पॉजिटिव है तो बच्चे को फीड करा सकते हैं क्या? यस श्योर, आराम से कराना है, केवल हल्का सा अपने मास्क वगैरह लगा के रखें जिससे डायरेक्टली एयर ड्रॉपलेट बच्चे के ऊपर ना जाए, अदरवाइज फीडिंग में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, 100% फीडिंग करानी चाहिए। मैं आज के हमारे दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर मंगल साहब का और रीना लाहोटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय हमको दिया, डॉक्टर साहब ने हमें बच्चों से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई, कैसे हमको उनका इम्यून सिस्टम डेवलप करके रखना है, उनको ऑक्यूपाइड रखना है, हमें खुद उनके साथ में बच्चा बन के रहना है ताकि हम ये जंग जल्द से जल्द जीत सके। एक बार पुनः डॉक्टर साहब आपका और लीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।